Good morning, everyone. Am I audible and visible to all of you? Please confirm. Good morning, Tarun. Very good morning. Good morning, Shreya. Very good morning, beta. I'm audible and visible, please confirm. Okay, so let's start today's session. So good morning, everyone. Welcome back to our channel, Rostam Legal. So today we are here on 21st of February 2023 in the class of legal news analysis. So let's start with the point number first. In the point number first, we are having Kerala High Court's judgment, in which Kerala High Court said that denying compensation to an accident victim on the ground that she is housewife and does not earn any income is outrageous and beyond comprehension. So basically, Kerala High Court ने क्या बोला है अभी अभी recent judgment में, उन्होंने ये चीज बोली है कि भाई जो motor vehicle accident claim tribunal जो है ना, ठीक है ना, वो कहीं से कहीं तक ये मना नहीं कर सकती, वो ये नहीं बोल सकती कि भाई हम हाउसवाइफ को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। यहां पर किस कॉम्पनसेशन की बात की जा रही है कि अगर कोई भी मोटर व्हीकल से आपका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम पर क्या आपको क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब जो क्लेम डिसाइड होता है कि अगर आपको कोई भी इंजरी आती है तो क्लेम इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि आप भाई आपकी इनकम क्या है और उस एक्सीडेंट से आपकी जो इनकम है वो कितनी अफेक्ट हुई है। समझ में आ रही बात? तो अब जब बात रही हाउसवाइफ की, तो क्योंकि हाउसवाइफ की अगर बात करें तो कोई भी इनकम नहीं होती है एज सच, उन्हें इसलिए हाउसवाइफ बोला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं केरला हाईकोर्ट ने चीज बोली है कि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फैमिली को बिल्ड करने में, हमारी सोसाइटी को बिल्ड करने में, वो नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर हुआ क्या इस केस में कि भाई इन द केस कालूकुट्टी वर्सेस पीएम जॉन एंड अनदर अपील वॉज फाइल्ड बिफोर द हाईकोर्ट बाई अ हाउस वाइफ चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल दैट अवॉर्डेड हर रुपीज 14,000 रुपीज, ठीक है ना, एज कॉम्पनसेशन फॉर द ग्रेवियस इंजरीज शी सस्टेन्ड ऑन अकाउंट ऑफ रैश एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक बाय केएसआरटीसी बस ड्राइवर। तो केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो जैसे यूपीएसआरटीसी है वैसी केएसआरटीसी, ठीक है ना, तो जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है केरला का, वहां पर जो है ये ट्रेवल कर रही थी उस बस में, और उसके जो है नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से उसने ब्रेक मारे ऑल ऑफ अ सडन, तो एक लेडी उस बस में बैठी हुई थी जिसको इंजरीज आ गई थी, ठीक है ना। तो उसने करा क्या था, तो उसने कॉम्पनसेशन की डिमांड करी थी कहां पर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में। तो उसने डिमांड की थी लगभग 2 लाख रुपए की और इनको दिया गया था केवल 40,000 रुपीज का। तो उन्होंने अपील फाइल करी कहां पर, हाईकोर्ट में, और हाउसवाइफ ने, और ये चीज बोली कि सर हमें जो है इंजरीज ज्यादा हुई है और हमें कॉम्पनसेशन केवल 40,000 रुपीज का दिया गया है, ठीक है ना। अब यहां पर हुआ क्या, द वोमेन हैज सॉट 2 लाख एज शी हैड टू अंडरगो एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रॉमा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द इंसिडेंट। तो बेसिकली इनका बोलना ये था कि सर उस इंसिडेंट के बाद जो है मुझे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट के लिए जो है बेड पर रहना पड़ा, ठीक है ना, और जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ट्रॉमा रहा और बहुत लंबे टाइम तक। तो कहीं ना कहीं जो इनको मेंटल एग्नी हुई है, जो इनको फिजिकल इंजरी हुई है, उन सब के लिए कहीं लगभग इन्होंने 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन डिमांड किया था, लेकिन मिला केवल 40,000। तो हाईकोर्ट ने क्या बोला, अब केएसआरटीसी ने कंटेंशन क्या रेज किया बिफोर द हाईकोर्ट, उन्होंने ये चीज बोली दैट द कॉम्पनसेशन ग्रांटेड बाय द ट्रिब्यूनल इज स्पॉटलेस स्पेशली बिकॉज अपीयरेंट वॉज अ हाउस वाइफ विदाउट एनी इनकम। तो यहां पर केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यह चीज बोली कि भाई कोई गलत नहीं है, यहां पर कॉम्पनसेशन दिया गया वो सही है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो अपीलेंट है वो हाउस वाइफ है, उनकी कोई भी इनकम नहीं है। तो अगर वो इंजरी उनको हुई है या वो अगर अगर बेड पर भी आ गई है, तो अगर वो उनको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम भी हुई है, कहीं पर वो जा नहीं पा रही है, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। जबकि अगर अपन देखें इन जनरल कि अगर हमारे घर में जैसे हमारी मदर है, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है ना, ये जो बेसिक चीजें हैं ना वो रुक जाती है। तो वही चीज है कि उनको यहां पर नहीं देखा गया, अभी हाईकोर्ट उसी चीज को एक्सप्लेन करेगा यहां पर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ही एडेड दैट द अपीलेंट हरसेल्फ कंसीडर्ड दैट शी वॉज नॉट अर्निंग एनी इनकम।
तो यहां पर केएसआरटीसी ने ये चीज बोली कि यहां पर जो अपीलेंट है वो खुद ये चीज बोल रहा है कि मेरी इनकम जो है वो जीरो है, मेरे पास कोई इनकम नहीं है, ठीक है ना। सो नथिंग मोर कुड हैव बीन ग्रांटेड बाय द ट्राइब्यूनल इन एक्सेस ऑफ व्हाट हैज बीन नाउ अवॉर्डेड। तो उन्होंने बोला कि भाई इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, जितना भी दे दिया गया वो मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला था कि हमारी कोई इनकम नहीं हो, तो जिसकी जो इनकम नहीं है अगर कोई, तो फिर उसको क्या कॉम्पनसेशन हम डिमांड यहां पर जो है अलाउ किया जाएगा, ठीक है। ये था केएसआरटीसी का कंटेंशन। अब यहां पर हाईकोर्ट ने क्या बोला, हाईकोर्ट सेड दैट एट द आउटसेट आई मस्ट से दैट द कंटेंशन ऑफ केएसआरटीसी दैट अ हाउसवाइफ अर्न नो इनकम एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पनसेशन फॉर डिसेबिलिटी एंड लॉस ऑफ एमिनिटीज इज आउटरेजियस एंड बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। तो यहां पर हाईकोर्ट ने क्लियर बोला कि भाई कहीं ना कहीं जो कंटेंशन है केएसआरटीसी का कि एक हाउसवाइफ की कोई भी इनकम नहीं होती है, इसलिए वो कॉम्पनसेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। द रोल ऑफ मदर एंड वाइफ एट होम इज बियॉन्ड कंपेयर एंड शी इज ट्रू नेशन बिल्डर। तो यहां पर इनका बोलना क्या है हाईकोर्ट का कि भाई जो माँ और वाइफ जो बीवी है घर में, वो कहीं ना कहीं वही है जो घर को बनाती है, तो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, और कहीं ना कहीं नेशन बिल्ड करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग कभी जो है ऑफिस जाते हो या कोई चीजें होती है, तो भाई लंच तैयार करना, आपके पूरे मतलब ड्रेस वगैरह आपके प्रिपेयर करके रखना, हर चीज आप लौट के आओ, तो एक बंदे को काम करने के लिए जो बैक सपोर्ट देती है ना, वो कहीं ना कहीं आप घर की जो मदर और वाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। तो वही चीज उन्होंने बताई कि शी इन्वेस्ट हर टाइम फॉर द फैमिली एंड इंश्योर्स दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज फॉस्टर्ड विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेलेंस। तो कहीं ना कहीं इनका बोलना यह है कि वो अपना टाइम जो है ना वो फैमिली के लिए लगाती है, जिससे कि आने वाली जनरेशन जो है ना वो एक प्रॉपर तरीके से बहुत ही मतलब एक एक्सीलेंस के साथ, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सीलेंस के साथ जितना वो कर सकती हैं उतना वो इनका यहां पर देती हैं। एंड हर एफर्ट्स कैन नेवर बी टेकन ट्रिविली ब्रश साइड। तो उनकी जो मेहनत है ना उसको एक तरफ नहीं रखा जा सकता। सो एज बीइंग विदाउट मॉनेटरी वैल्यू, तो आप उसको मॉनेटरी वैल्यू में कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई जो बंदा अर्न कर रहा है केवल आप उसकी बात करो, ऐसा नहीं है। जो एक तरीके से जो सपोर्ट कर रहा है उसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं कंसिडर की जाएगी। द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नेवर टेस्टेड ऑन द स्केल ऑफ देयर मॉनेटरी वर्थ बट बाय देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेसनेस। तो इनका बोलना यह है कि आपकी मॉनेटरी वर्थ कितनी है इस पर नहीं जज किया जाना चाहिए एक ह्यूमन बींग को, बात किस चीज की हो रही है यहां पर, बट बाय देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्फलेसनेस, कि आप कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो किस चीज में, यह मैटर करता है। फर्दर द केरला हाईकोर्ट सेड दैट द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल्स ऑब्जर्वेशन दैट द हाउसवाइफ वाज अनेबल टू परफॉर्म हर रूटीन वर्क बिकॉज ऑफ द स्पाइनल इंजरी एंड ट्रॉमा। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्वेशन थी, तो इसी को बोलते हैं अपन जो फाइंडिंग्स थी, जो ट्राइब्यूनल की फाइंडिंग थी वो ये थी कि भाई इनको जो ट्रॉमा हुआ था हाउसवाइफ को, उसके चक्कर में वो रूटीन वर्क नहीं कर पा रही थी घर के, ठीक है ना, जो उनका बेसिक काम है। तो इन्होंने बोला इज एन अंडरस्टेटमेंट ऑफ द पेन एंड सफरिंग शी वेंट थ्रू। तो इनका बोलना यह है कि भाई आपने कहीं ना कहीं एक चीजों को कम आंका है, कम वैल्यू दी है। सो देयरफॉर द कोर्ट अलाउड द अपील इन पार्ट एंड ग्रांटेड द पिटिशनर अ टोटल कॉम्पनसेशन ऑफ ₹1,64,654 इंस्टेड ऑफ ₹40,214 अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। तो लगभग उन्होंने 1,60,000 1,65,000 का कॉम्पनसेशन को प्रोवाइड कराया। समझ में आ रही बात? तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें केरला हाईकोर्ट ने क्लियरली ये चीज बोला कि जरूरी नहीं है कि भाई हर बंदे की मॉनेटरी वैल्यू ही हो। तो इनका बोलना ये है कि जो आपने नोशनल इनकम का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि भाई अगर किसी की इनकम नहीं कैलकुलेट की जा सकती तो उसको नोशनल इनकम के बेसिस पर जो है कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के कि किस बेसिस पर किसी की, मान लीजिए कि भाई आपको पता ही नहीं कि बंदा काम क्या करता था, ठीक है ना, वो जो है वो किस बेसिस किस तरीके से काम कर रहा था और उसकी इनकम क्या थी आपको नहीं पता, तो फिर उसकी जो है नोशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द पॉइंट नंबर सेकंड वी आर हैविंग बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट इन विच द बॉम्बे हाईकोर्ट said that the discretion of the court while deciding bail application cannot be taken away by any law. तो यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि कोर्ट का जो डिस्क्रिशन होता है ना बेल अवॉर्ड करने का, ठीक है ना, कि वो बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये कोई भी लॉ जो है ले नहीं सकता। अगर कोर्ट चाहेगा तो बिल्कुल देगा और कोर्ट नहीं चाहेगा तो नहीं प्रोवाइड कराएगा। समझ में आ रही बात? तो जो डिस्क्रिशन है कोर्ट का वो कोई भी लॉ कोई भी स्टैट्यूट नहीं ले सकता। हुआ क्या यहां पर, इन द केस महीपति अंटू जाधव वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र A bail application was filed before the High Court by a 71-year-old man. तो लगभग 71 साल के एक बंदे ने 71-year-old man ने एक petition file करी, application file करी bail की before the High Court. समझ में आ रही बात? बॉम्बे हाई कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ कि the bail applicant had sought his release from the prison on bail, the basis of a NALSA scheme that favored the release of prisoners over 65 years of age. अब हुआ क्या होगा कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नालसा है उन्होंने एक स्कीम निकाली होगी कि भाई 65 साल के ऊपर जो लोग हैं 65 years के जो लोग हैं ऊपर के और जो अभी भी जो है बंद हैं तो
उनको कहीं ना कहीं रिलीज करने की बात की जा रही हो कि भाई उनको बेल जो है दे दी जाए, क्योंकि ओवर एज की वजह से उनको दे दी जाए कहीं ना कहीं। तो ये स्कीम निकाली, तो उसके बेसिस पर एक 71 साल का एक बंदा था जो कहीं ना कहीं मर्डर कॉन्विक्ट था, उसने एक बेल एप्लीकेशन डाल दिया हाईकोर्ट में कि सर ये स्कीम आई है, अब आप हमें बेल जो है प्रोवाइड कराइए। द स्कीम ऑफ नालसा टाइटल्ड एज रिलीज यूटीआरसी एट द रेट 75 वॉज लॉन्च इन जुलाई 2022 फॉर आइडेंटिफाइंग एलिजिबल प्रिजनर सो दैट दे मे बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन अपॉन अ रिकमेंडेशन बाय एन अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी। तो यहां पर हुआ क्या कि कहीं ना कहीं जो स्कीम थी नालसा ने चलाई थी वो 2022 में स्टार्ट उन्होंने करी थी जुलाई में, और वो आइडेंटिफाई कर रहे थे उन प्रिजनर्स को जो कहीं ना कहीं एलिजिबल हैं और कहीं ना कहीं जो फंसे हुए हैं उनको बेल प्रोवाइड करने की, क्योंकि बेल को लेकर बहुत ज्यादा इस समय पर चीजें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूसली ये चीज बोल रहे हैं कि हमें बेल जो है प्रोवाइड करानी, हमें अननेसेसरी लोगों को नहीं रखना है, स्पेशली जो इंकैरिकेशन या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको तो पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, द एप्लीकेंट इन्फॉर्म द कोर्ट दैट हिज एप्लीकेशन फॉर रिलीज वॉज रिजेक्टेड बाई अ सेशन कोर्ट। तो यहां पर एप्लीकेंट ने ये चीज बोली, जो 71 ईयर ओल्ड के बंदे थे, ठीक है ना, 71 साल का बंदा, उसने ये चीज बोली कि भाई हमने सेशन कोर्ट में डाली थी, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी, ठीक है ना। सो ही आर्ग्यूड दैट द हाईकोर्ट नॉट टू लुक इन टू द मेरिट्स ऑफ केस एज नालसा स्कीम। और उन्होंने ये भी चीज बोली क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरिट्स पर जाएंगे तो उनको बेल कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनका बोलना ये था कि सर क्योंकि नालसा स्कीम जो है लॉन्च की गई है तो जो हाईकोर्ट है वो मेरिट्स पर ना जाए और केवल स्कीम के तहत ही आपको जो है बेल दे दिया, मतलब स्कीम लेकर पहुंच गए, साहब इसमें लिखा हुआ है कि 65 साल के ऊपर बंदों को क्या मिलनी है, बेल मिलनी है, तो आप इसको देखिए, बस आप मेरिट्स मत देखिए, मेरिट्स मतलब केस में मत देखिए कि चल क्या रहा है, क्योंकि केस आप देखोगे तो आप भी सेशन कोर्ट की तरह रिजेक्ट कर दोगे। तो इन्होंने ये क्या करी, एक प्रेयर करी है ये चीज। फर्दर ऑन द अदर एंड जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनबी पाटिल सेड दैट इफ द मेरिट ऑफ द मैटर वर नॉट कंसीडर्ड मेनी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स विल बी रिलीज ऑन बेल। तो यहां पर इनका बोलना ये था, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उनका बोलना ये था, सर अगर आप मेरिट्स नहीं देखोगे तो जितने प्रिजनर्स हैं, इन्होंने बोला है कि मैनी, मैं तो बोल रहा हूं सारे यार, जितने 65 साल के ऊपर है, आप तो स्कीम दिखाइए, बाहर निकलिए, तो ये तो हर बंदे को फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर कोई सेंस नहीं हुआ। जो यहां पर बोला है ना जो आइडेंटिफाइंग एलिजिबल प्रिजनर्स, तो फिर जो बात है एलिजिबल प्रिजनर्स की वो इसी बेसिस पर है कि भाई जिनका केस अलाउ कर रहा है आप इनको बिल्कुल आप रिलीज करिए। तो यहां पर एप्लीकेंट की जो कहीं ना कहीं कंडीशन थी कि आप पेरेंट्स को मत देखिए, वो जस्टिफाइड नहीं थी। फर्दर द हाईकोर्ट नोटेड दैट द सेशंस कोर्ट हैड टेकन इनटू अकाउंट द एक्यूजेशन अगेंस्ट द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एज वेल एज His alleged attempt to murder four witnesses। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि जो सेशंस कोर्ट है उसने ये चीज देखी थी कि भाई बंदा जो है वो 302 में अंदर है, मतलब मर्डर के लिए वो अंदर है, ठीक है ना। जब उसने मर्डर किया था उसके बाद जो विटनेस थे उन पर भी उसने जानलेवा हमला किया, ठीक है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर उन पर भी किया, तो कहीं ना कहीं इसको बेल नहीं दी जा सकती है। तो ये चीज कहीं ना कहीं सेशंस कोर्ट ने क्लियर कर दी थी, तो हाईकोर्ट ने भी इस चीज को नोट किया। फर्दर बॉम्बे हाईकोर्ट वाइल रिजेक्टिंग द बेल, तो यहां पर उसकी बेल को रिजेक्ट करते हुए ये चीज बोली कि भाई नालसा की स्कीम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देयर आर टू एस्पेक्ट, तो यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला देयर आर टू एस्पेक्ट्स, वन इज मूविंग द कंसर्न कोर्ट फॉर रिलीजिंग ऑन बेल, कि भाई आप एक तरफ क्या करते हो, आप कंसर्न कोर्ट, जैसे ये बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे तो आपने एक जो एप्लीकेशन डाली, तो पहला स्टेप ये था, एंड दूसरा है अदर इज पासिंग एन ऑर्डर ऑफ बेल ऑन देयर रिक्वेस्ट, तो भाई उस रिक्वेस्ट पर जो है जो कोर्ट है वो एक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए कि मुझे बेल चाहिए तो मैंने एक एप्लीकेशन डाल दी, तो ये तो पहला स्टेप हो गया कि भाई आप एप्लीकेशन दीजिए, क्योंकि कोर्ट जो है वो ऑल ऑफ और नहीं, मतलब एक तरीके से मान लीजिए अपने आप से चीजें नहीं करे, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा हो गया कि कोर्ट को लगता है आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करना है नहीं करना है, वो उनका कॉल है, ठीक है ना। तो दो एस्पेक्ट है इस चीज के। तो इन्होंने ये चीज बोली कि इट इज ट्रू दैट इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कंसर्न कोर्ट वेदर टू ग्रांट बेल और नॉट। तो इनका बोला ये कि ये बात पूरी तरीके से सही है कि भाई ये कहीं ना कहीं कंसर्न कोर्ट का कॉल है कि उन्हें ग्रांट करनी है बेल या नहीं करनी है, ठीक है। तो सच डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी एक्ट। तो आप किसी भी एक्ट का, किसी भी स्कीम का, किसी भी स्टैट्यूट का आप ये डर दिखाकर कि नहीं साहब हमें तो यहां मिलनी ही मिलनी चाहिए, आप कोर्ट के फैसले को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये कोर्ट का ही डिस्क्रिप्शन है कि उनको बेल देनी है या नहीं देनी है। समझ में आ रही बात। जैसे यूएपीए और एनडीपीएस की अगर हम बात करें, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और नार्को साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है, ठीक है ना, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर जो है बेल का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार वहां पर जो है बेल दिया है। उन्होंने देखा कि भाई ट्रायल स्टार्ट होने नहीं वाला है, ठीक है, और बंदे को बहुत टाइम से जो है अंदर बंद करके रखा गया है, ऑल दो वहां पर बेल जो है डिफिकल्ट है, लेकिन कोर्ट ने बोला कि भाई बिल्कुल यहां पर बेल मिल सकती है। तो ये क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है जिसको आप किसी भी स्टैट्यूट से सरपास नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर सेकंड, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो लेट्स जंप ऑन द पॉइंट नंबर थर्ड। इन द पॉइंट नंबर थर्ड वी आर हैविंग दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट, in which the Delhi High Court said that Google's disclaimer cautioning Android users
before they download third party application is an industry practice and does not amount to trademark infringement or disparagement. तो हुआ क्या है यहां पर, मैं जनरल बताता हूं. आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी जैसे प्ले स्टोर होता है, ठीक है ना, तो प्ले स्टोर से आप अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो किसी भी तरीके की वार्निंग आती है? नहीं आती है. लेकिन कई बार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जो आप एपीके के थ्रू डाउनलोड करते हो, ठीक है ना, तो वहां पर आपको एक वार्निंग देता है गूगल के, भाई दिस साइट में हार्म योर डिवाइस उस टाइप से, और आप कर देते हो क्या आपने प्रोसीड एनीवे, ठीक है ना. तो आप कई बार सेटिंग भी आपको चेंज करनी पड़ती है फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक्सेप्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है ना. तो ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है. तो इस चीज को लेकर जो है एक एक, एक, एक तरीके से वो है कंपनी है विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड. सबने देखा होगा विंजो गेम्स, विंजो गेम्स के नाम पर, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं ये, ठीक है ना. तो विंजो गेम्स ने कहीं ना कहीं एक पिटीशन फाइल कर दी थी और उन्होंने बोला था कि गूगल जो डिस्क्लेमर देता है ना कहीं ये हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट भी है कि भाई आपको क्या लेना देना, आपका हमारा कोई लेना देना तो है नहीं इसमें, ठीक है ना. अगर हम डाउनलोड वो बंदा डाउनलोड कर रहा है तो आपको क्यों वार्निंग देनी उस चीज में. तो कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर गूगल डिस्क्लेमर देता है ऑन एंड्रॉइड यूजर्स को कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, चाहे वो गूगल हो चाहे वो कोई भी आप ब्राउजर चला रहे हो. समझ मेरी बात, वो हर बंदा हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो वार्निंग देता है कि भाई ये जो सोर्स है ये वेरीफाइड नहीं है क्योंकि इसका वेरिफिकेशन हमने नहीं कराया है, अगर कुछ होता है तो कल के दिन तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी. समझ मेरी बात. तो इन्होंने बोला कि एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि अगर आप किसी थर्ड सोर्स से करते हो बिल्कुल ये होता है, तो ये किसी भी तरीके का ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट नहीं है. अब ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट कैसे नहीं है ये आगे आपको पता चलेगा. फर्दर हुआ क्या, इन द केस विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस गूगल LLC एंड अदर्स, an application was filed before the High Court by Winzo in its suit arguing that Google displays a disclaimer warning to users when they are attempting to download the plaintiff's Winzo application from its website. तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज बोली कि भाई जो Google है वो एक warning disclaimer show कर रहा है जब भी लोग जो लोग हैं वो Winzo games जो है application जो है download करने की कोशिश कर रहे हैं तब उतनी बार वो disclaimer show कर रहा है कि this site may harm your device. ठीक है ना, तो ये चीज जस्टिफाइड नहीं है. सो द वार्निंग स्टेट्स दैट दिस टाइप ऑफ फाइल में हार्म डिवाइसेस, तो ये टाइप की वार्निंग आ रही है. सो एप्लीकेंट आर्ग्यूड दैट वार्निंग इन रिलेशन टू द प्लेंटिव सर्विसेज अंडर द विंजो विंजो गेम्स मार्क इज डिवॉइड ऑफ एनी लीगल जस्टिफिकेशन एंड गोज बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. तो इनका बोलना ये है कि भाई इस पर किसी भी तरीके उन्हें किसी भी तरीके के लीगल जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है और वो कहीं ना कहीं इस चीज से ऊपर है कि भाई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं 2021 के वो उसको कहीं ना कहीं पर सरपास करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं एक तरीके से उसके ऊपर, ठीक है ना. तो कहीं ना कहीं इनका बोलना यार ये है कि आप इस तरीके की वार्निंग नहीं दे सकते. फर्दर द हाईकोर्ट नोटेड दैट सच वार्निंग आर नॉट यूनिक टू द गूगल क्रोम ब्राउजर्स बट सेवरल अदर ऑल्सो डिस्प्ले सिमिलर वार्निंग वेन यूजर्स डाउनलोड थर्ड पार्टी एपीके फाइल्स एंड देयरफॉर प्रिमा फेसा इट अपीयर्स टू बी एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस. तो यहां पर हाईकोर्ट ने क्या नोट किया कि भाई ये केवल गूगल ही नहीं करता, आप अगर कोई और ब्राउजर भी चलाओगे जैसे आईफोन वाले सफारी चलाते हैं, ठीक है ना, और गूगल के अलावा और भी कई सारे जो है मोज़िला वगैरह चलाते हैं, तो इनका बोलना यह है कि ऐसा नहीं है कि केवल गूगल ही करता हो, ये हर ब्राउजर करता है. अगर आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करोगे तो हर जो ब्राउजर आपको वार्निंग यहां पर देगा. तो ये चीज उन्होंने बोली कि ये एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, इसमें किसी भी एक बंदे पर जो है हम एलिगेशन नहीं लगा सकते कि ये ऐसा कर रहे हैं, बोलेगी बहुत जनरल सी चीज है. फर्दर द हाईकोर्ट सेड दैट इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट यूज ऑफ ट्रेडमार्क इन कोर्स ऑफ ट्रेड विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 29 सब क्लस 4. तो इनका बोलना यह है कि ये किसी भी तरीके का ट्रेडमार्क नहीं है. समझ में आ रही, ये किसी भी तरीके का ट्रेडमार्क नहीं बोल रहा है यूज ऑफ ट्रेडमार्क इन द कोर्स ऑफ ट्रेड. समझ में आ रही क्यों, क्योंकि इनका बोलना यार ये है कि आप जो ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट की बात कर रहे हो, क्यों, क्योंकि जो डिपेंडेंट नंबर वन है जो गूगल है वो कहीं से कहीं तक विंजो गेम्स का जो प्लेटफॉर्म है और जो गूगल का प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग. जब भी आप ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट देखते हो तो ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का मतलब क्या है कि आप हम आपकी गुडविल को खा रहे हैं. समझ में आ रही बात, और गुडविल कहां होती है, आपकी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है ना उसके बीच में होती है, आपके जो मार्केट है ना वो अलग है. मान लीजिए कि मैकडॉनल्ड जो है वो किसमें, फूडिंग इंडस्ट्री में. अब मैकडॉनल्ड के नाम से अगर कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में चला जाएगा तो क्या ये इंफ्रिंजमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक फूडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है और दूसरा एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहा है, तो दोनों का जो क्राउड है ना वो अलग अलग है. तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि भाई मैकडॉनल्ड जो है उसके बर्गर फेमस है. अब ऑब्वियस बात है कि ऑटोमोबाइल दुकानों पे जो है वहां पर तो आपको बर्गर नहीं मिलेगा ना, ठीक है ना. आप वो बाहर से भगा के खिला देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम बात करें ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट की तो वहां पर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपकी गुडविल नहीं खा रहे हैं वो. समझ में आ रही, तो ट्रेडमार्क बात ही आपकी गुडविल पर करता है. तो यही चीज उन्होंने बोली कि फॉर द सिंस द डिफेंडेंट नंबर वन इज नॉट एडवर्टाइजिंग गुड्स सर्विसेज बाय यूजिंग द प्लेंटिफ्स मार्क इन एनी मैनर, कि भाई विंजो गेम्स के मार्क को कभी भी गूगल यूज नहीं करता किसी भी तरीके से. सो देयर इज नो केस मेड आउट ऑफ इंफ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 29 सब क्लॉज 8 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999.
Further, the Delhi High Court, while rejecting the application, said that the users can continue to download and install APK files by clicking on the options of download anyway. तो यहां पर Delhi High Court ने क्या बोला कि जो यूजर्स है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं एपीके फाइल्स को, ठीक है ना, उस क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे, उसके बाद कोई भी आपसे चीजें नहीं डिमांड की जाती है, ठीक है. सो इट मे बी नोटेड दैट एपीके फाइल्स एप्लीकेशन लाइक दैट ऑफ द प्लेंटिफ आर नॉट पार्ट ऑफ गूगल प्ले इकोसिस्टम. तो गूगल प्ले इकोसिस्टम क्या है कि भाई वो चीजें कहीं ना कहीं वेरीफाइड है और उन पर किसी भी तरीके का वो आपके डिवाइस को हार्म नहीं करती है. ये चीज कहीं ना कहीं गारंटी कौन लेता है, गूगल लेता है. लेकिन वो क्योंकि आपका उनसे कोई टाइप नहीं है तो आप उनके उसके लिए एक वार्निंग देते हो कि ये आपके डिवाइस को हार्म कर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं किया गया. एंड देयर फोर द सेम डू नॉट अंडर गो द वेरी सिक्योरिटी चेक्स एंड मेजर्स. तो इनका बोलना ये है कि वो फाइल्स जो है, वो एप्स जो है, जो एपीके पर है, वो किसी भी तरीके की सिक्योरिटी चेक्स और मेजर्स से नहीं निकली हुई है, इसलिए उस पर किसी भी तरीके से हम जो है अलाउ उसको, मतलब डिसअलाउ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक तरीके से एक ऑथेंटिसिटी भी उनके ऊपर नहीं लगी हुई है, ठीक है, उनके वो ऑथेंटिकेट अभी तक नहीं हुए, इसलिए यहां पर वार्निंग आपको दी जाती है. सो देयरफॉर द डिफेंडेंट्स आर ओनली कॉशनिंग द यूजर बिकॉज द यूजर प्रोसीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन. तो इनका बोलना ये है, वो एक जनरल सी एक कॉशनिंग दे रहे हैं आपको कि भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि हम इसको वेरीफाई नहीं करते हैं, समझ में आ रही बात. तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा आजकल फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे एश्योर्ड लिखकर आ रहा है कि हाँ भाई हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑर्डर कर सकते हैं. पहले होता क्या था कि भाई आपको गलत प्रोडक्ट पहुंच जाता था, चीजें आज भी पहुंचते हैं, लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो वेरीफाइड है या एश्योर्ड है वो चीजें कहीं ना कहीं उन पर हम रिलाई ज्यादा करते हैं. क्यों? क्योंकि उसको फ्लिपकार्ट या जो अमेजोन है वो वेरीफाई करके रखता है. क्लियर हो रहा है? तो ये था हमारा पॉइंट नंबर थर्ड. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो लेट्स जंप ऑन द पॉइंट नंबर फोर. वी हैव वेरी स्मॉल पॉइंट इन द पॉइंट नंबर फोर. द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन अ पिटीशन सीकिंग यूनिफॉर्म मैरिज एज फॉर मैन एंड वुमेन. तो यहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की गई थी, ठीक है ना, जिसमें डिमांड किया गया था कि भैया आदमी और औरत के लिए जो है शादी की जो एज है ना वो बराबर, जैसे लड़कियों के लिए 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल है, ठीक है ना. ऑल दो अभी दिसंबर में जो है प्रेजेंट किया गया था ये बिल, ठीक है ना, पार्लियामेंट में, और इस पर काम चल रहा है कि भाई जो एज है ना वो या तो दोनों के 18 कर दी जाए या दोनों 21 कर दी जाए, ठीक है ना. तो उस पर अभी काम चल रहा है. तो हुआ क्या था, इन द केस अश्विनी कुमार उपाध्याय, तो अश्विनी कुमार उपाध्याय को सब जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरीके से एमसी मेहता है हमारे. तो एमसी मेहता साहब ने जो है नेचुरल वो एक्टिविस्ट रहे वो, ठीक है ना, और एनवायरमेंटलिस्ट रहे, और जैसे आप देखेंगे ताज रेपेजियम केस उनका था, कानपुर टेंडरी केस उनका था, ठीक है ना, और ओलियम गैस केस उनका था. तो ये जो केसेस हैं उस तरीके से अश्विनी कुमार उपाध्याय साहब भी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के रिनाउंस लीडर हैं और वो भी कहीं ना कहीं जो है इन जो है पिटिशन फाइल करते रहते हैं. तो उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी थी. तो पिटिशन वॉज फाइल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय द बीजेपी लीडर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय साहब. ही स्टेटेड दैट देयर आर स्पेसिफिक रिलीजन बेस्ड लेजिस्लेशन विच प्रेस्क्राइब्स अ सर्टेन एज ऑफ मैरिज. तो इनका बोलना ये है कि हम अगर अलग अलग रिलीजन को देखेंगे तो उनके बेसिस पर अलग अलग मैरिज की जो एज है ना वो डिफाइन हो रखी है, और इस पर काफी काफी जो है एक तरीके से कंफ्यूजन भी बना हुआ है. कि जैसे आप लोग अगर मुस्लिम पर्सनल लॉज देखोगे तो वहां पर उनका बोलना यह है कि लड़की जो है 15 साल के बाद अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, ठीक है ना, अगर उसकी कंसेंट है तो वो शादी कर सकती है. तो यही चीज है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो 18 ईयर्स दी हुई है, ठीक है. आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल रहा है कि भाई 15 साल की लड़की भी शादी कर सकती है. तो ये जो एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो इनका बोलना ये था कि कई सारे रिलीजन है जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल 14 और 21 को लेकर कि भाई उनके पास ये अधिकार है बाकियों के पास ये अधिकार नहीं है, और इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी बना हुआ है. कई सारे हाईकोर्ट ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई वो शादी जो है वैलिड है, कई सारे बोल रहे हैं कि नहीं वो वॉइड है. तो इन चीजों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने बोला कि सर कई सारे रिलीजन है जो अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का जो है वॉयलेशन कर रहे हैं. फर्दर ही प्रेड दैट द मैक्सिमम मैरिज एज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन शुड बी फिक्स्ड एट 21. तो जो मैक्सिमम मिनिमम मैरिज एज है वो 21 साल कर दी जाए दोनों की. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट मेयर स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द प्रोविजन विच सेट 18 ईयर एज विल लीड टू नो मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन. तो इनका बोलना यह है कि कहीं ना कहीं उस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन करना, हटाना, कहीं ना कहीं जिसने 18 साल एज जो है सेट कर रखी है, ठीक है ना, विल लीड टू नो मिनिमम एज ऑफ मैरिज. तो कहीं ना कहीं वो कोई भी मिनिमम एज जो है वो नहीं बचेगी. अभी मिनिमम एज उन्होंने 18 साल कर रखी है, उस प्रोविजन को हटा देना कि भैया 18 साल की है तो कोई प्रोविजन बचेगा ही नहीं भाई जब तक 21 नहीं हो रही है. ये काम पार्लियामेंट का है तो पार्लियामेंट करेगी. तो इनका बोलना ये है कि जब तक नहीं होता है, पार्लियामेंट नहीं बनाती है, तो हम पुराने लॉ को नहीं हटा सकते. अगर हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे 18 साल तो मिनिमम एज बचेगी ही नहीं फिर, समझ में आ रहे बात. फिर तो 14 साल 10 साल 12 साल की लड़कियों की भी शादी होगी और बोला जाएगा कि भाई कोई मिनिमम एज है ही नहीं. अभी कम से कम जो एक लॉ है वही बोलता है मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और उस पर ही कहीं ना कहीं केस वगैरह फाइल होते हैं.
समझ में आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते. सो इट इज स्ट्राइट लॉ दैट अंडर 32 दिस कोर्ट कैन नॉट इशू मैंडमस टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट नॉर कैन इट लेजिस्लेट. तो इनका बोलना ये है कि भाई आर्टिकल 32 के अंदर जो रिट के पावर्स हैं, उन्होंने बोला कि भाई हम रिट ऑफ मैंडमस यहां पर इशू नहीं कर सकते, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं कर सकती टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट कि भाई आप जो है ऐसा करिए या और ना ही ऐसा हम कर सकते हैं. समझ में आ रही बात. तो ये चीज उन्होंने बोली कि भाई हम इस टाइप की कोई भी रिकमेंडेशन यहां पर नहीं दे सकते. फर्दर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी आर नॉट एक्सक्लूसिव कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन ऑल्सो डू दैट. तो इनका बोलना यह है कि हम इकलौते कस्टोडियन नहीं है, कि हमें ही केवल चीजों का ध्यान रखना है, पार्लियामेंट भी ये चीजें करती है. समझ में आ रही बात. तो पार्लियामेंट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट एंड डिसाइड, तो वो लेजिस्लेट कर सकते हो, वो ही डिसाइड करेगी. समझ में आ रही बात. तो हम इसमें किसी भी तरीके से रेट ऑफ मैंडमस इशू नहीं कर सकते. फर्दर द सुप्रीम कोर्ट वाइल रिजेक्टिंग द पिटीशन सेड दैट वी देयरफॉर डिक्लाइन टू इंटरवीन इन दिस पिटीशन, रेमेडीज आर अवेलेबल टू द पिटीशन कैन बी अवेल. तो यहां पर इन्होंने बोला भाई हाईकोर्ट के पास आप जाइए, उनसे जाकर आप बात करिए. अभी तो फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसमें किसी भी तरीके से इंटरव्यू नहीं कर सकते इस पिटीशन में, ठीक है ना. तो यहां पर रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, आपके पास आप उसको अवेलेबल कराइए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम यहां पर आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना. तो ये जो पिटीशन उसको रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि नहीं भाई जो मिनिमम एज की आप बात कर रहे हो उसके 18 से 20 में शिफ्ट कर दे, वो हमारे एम्बिट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना. तो ये था पॉइंट नंबर 4. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. सो लेट्स जंप ऑन द पॉइंट नंबर 5. इन द पॉइंट नंबर 5 अगेन वी आर हैविंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शंस इन इंडिया अ कैंडिडेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट मे बी इन द स्टेट ऑफ केरला. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जब भी बात इलेक्शन से आती है इंडिया में, तो जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलेवेंट नहीं है इंडिया में. इंडिया में ऐसा नहीं है कि भाई आपके 12th में 90% आएंगे तभी जाकर आप जो है विधायकी का चुनाव लड़ पाओगे, एमएलए का चुनाव लड़ पाओगे, एमपी का चुनाव लड़ पाओगे, ऐसा तो है नहीं. या आप जो है अच्छे कॉलेज से आप जो करोगे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तब जाकर आपको एमएलए का टिकट जो आपको दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. समझ में आ रही बात कि भाई कोई ऐसा थोड़ी है कि यहां पर इलेक्शन ना हो गया लेडी श्रीराम में एडमिशन कराने की बात आ गई हो, ठीक है ना. वहां तो 98-99% चला जाता है यार, ठीक है. तो एक जनरल बात करते हैं. तो भाई उनका बोलना यार ये है सुप्रीम कोर्ट का कि यहां पर कोई भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप एजुकेशन आपकी इतनी इतनी होनी चाहिए तभी आप जो है वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, ठीक है ना. तो एक्सेप्ट मे बी इन द स्टेट ऑफ केरला. तो हो सकता इन्होंने बोला कि भाई केरला में कुछ जगह है जहां पर ये चीजें कुछ कर रखी है उन्होंने, अदरवाइज कहीं पर भी ये बेसिक जो चीजें हैं वो रेलेवेंट नहीं है. अब हुआ क्या इस केस में. इन द केस अनुराग नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी. सो अ पिटीशन वॉज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टिंग अ डिक्लेरेशन दैट द इलेक्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी हर्षवर्धन वाजपेयी टू द यूपी असेंबली इन 2017 बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. तो यहां पर एक पिटीशन उन्होंने फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और उन्होंने क्या बोला कि जो बीजेपी की तरफ से जो हर्षवर्धन वाजपेयी जो है, ठीक है ना, तो उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, ठीक है ना. यूपी असेंबली 2017 के जो चुनाव थे, अब तो 2022 के भी हो चुके हैं, ठीक है ना. 2017 के जो चुनाव थे वहां पर जो एक तरीके से उन्होंने बोला कि भाई उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए. अब क्यों कर दिया जाए ये आगे देखेंगे. द पिटिशनर कंटेंडेड दैट द वाजपेयी कमिटेड करप्ट प्रैक्टिसेस बाय नॉट डिस्क्लोजिंग हिज करेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड लायबिलिटीज इन द एफिडेविट फाइल्ड अलोंग विद हिज नॉमिनेशन पेपर्स फॉर 2007, 2012 एंड 2017. तो इनका बोला ये था कि 2007 में इन्होंने जब नॉमिनेशन फाइल किया, 2012 में इन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया, 2017 में जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, उसमें जो एफिडेविट फाइल किया जाता है किसके साथ, नॉमिनेशन पेपर के साथ, ठीक है ना. जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाते हो उसके साथ कुछ बेसिक एफिडेविट लगता है कि भाई ये जो है इंफॉर्मेशन जो है हमारे हिसाब से सही है, ठीक है ना. तो इनका बोलना यह था कि उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाली थी वो गलत डाली थी, ठीक है ना. सो ही अंडरलाइन दैट वाजपेयी क्लेम टू होल्ड अ बीटेक डिग्री फ्रॉम अ नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड सेफरेट इन इंग्लैंड इन 2017. तो इन्होंने क्या बोला था कि भाई हम इंग्लैंड की एक सेफरेट यूनिवर्सिटी है वहां से इन्होंने जो है बीटेक किया हुआ है. वेयर एज इन 2007 एंड 2012 ही हैड शोन दैट ही हैड अ बीटेक डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड. तो 2017 में जब ये नॉमिनेशन फाइल करने गए तो इन्होंने क्या बताया कि भाई ये सेफरेट करके कोई जगह है वहां पे किया है, और जबकि 2012 में और 2007 में जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया तो उन्होंने बताया कि भाई ये शेफील्ड इंग्लैंड से एक यूनिवर्सिटी है वहां से उन्होंने बीटेक किया, ठीक है ना. ये थोड़ा स्पेलिंग का हेयर पेन लग रहा है मुझको. फर्दर वाजपेयी हैड ऑल्सो क्लेम टू होल्ड एन एमबीए डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2006. तो इन्होंने बोला कि भैया 2006 में इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एमबीए की डिग्री इनके पास है, ये वाजपेयी जो है वाजपेयी साहब जो है वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना. विच अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर वॉज नॉट पॉसिबल एज ही हैड एलिस्ट क्लियर द बीटेक एग्जामिनेशन द सेम ईयर. तो इन्होंने बोला कि सर इनका बोलना यह है कि 2006 में इन्होंने बीटेक भी कंप्लीट किया था, फिर ये लिख रहे हैं कि 2006 में इन्होंने एमबीए भी कंप्लीट किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही ईयर में कैसे कंप्लीट हो सकता है. ये तो कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आ गई ना, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस बी वी नागरत्ना हेल्ड दैट
नो वन वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन अवर कंट्री एनीवेज एक्सेप्ट मे बी इन केरला। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये चीज बोली कि भाई हमारे देश में कोई किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखकर वोट नहीं करता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने ये चीज डिस्क्लोज नहीं करी तो हैराम यार, अब तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात, कि यहां पर जो है बंदा जो है वो काम पर वोट करता है कि, और दूसरी चीज अभी तो अलग ही ट्रेंड सेट हो गया, अब तो पार्टी के फेस पर जो है वोट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये चीजें कहीं ना कहीं बोलते कि बोले हवा चल रही है, ये चल रहा है, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो भी रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान काम कर रहा है उसके ऊपर बिल्कुल जो है वोट मिलते हैं और हमेशा से मिलते रहे और आगे भी मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आदमी जो है एक लीडर जो है उसको चाहता है, और कहीं ना कहीं और जो बंदा जिससे इंस्पायर्ड होता है वो बिल्कुल उसकी तरफ वो वोट करता ही करता है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं उन्होंने बोली कि यहाँ पर किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक्सेप्ट मे बी इन केरला, कि केरला में कुछ है इस टाइप का हिसाब किताब कि वहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट आई है, तो वहां का आदमी जो है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, तो वहां पर चीजें थोड़ा सा देख के वोट कर सकता है, अदरवाइज बाकी जगहों पर तो ये पॉसिबल है नहीं। यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो बड़े स्टेट्स है, ठीक है ना, जैसे महाराष्ट्र हो गया या राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करके नहीं किया जाता एक चीज, समझ में आ रही बात। तो वो तो एक बेसिक प्रोसीजर है कि भाई नॉमिनेशन में आपको अपनी बेसिक चीजें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी पड़ती है, लेकिन इसका कोई ऐसा रिलेवेंस नहीं है वहां पर, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर जस्टिस के एम जोसेफ और बीबी नागरत्ना मैम ने यहां पर क्लियर कर दी। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो वी आर डन विद टुडे सेशन एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड शाम को 6:15 PM का पीएम पर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एन राजेंद्र शाह, ठीक है ना, जो मुझे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था 2021 का एक केस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सेशन को जरूर अटेंड करें, और इनकेस किसी भी तरीके कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कैसी भी। मैं बस ये चाहता हूं कि आप जब भी कोई भी केस पढ़ें, किसी भी केस की आपको जरूरत है, आप मेरे से डायरेक्टली बोलिए, ठीक है, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूंगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आपके सामने डिस्कस भी करूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको लगता है कि कोई केस इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट केस जो हमने कल डिस्कस किया था, वो मुझे तरुण ने सजेस्ट किया था कि सर इसको डिस्कस करिए, ऑल्दो मैं उसको एक हफ्ते बाद डेफिनेटली डिस्कस करता ही करता, ठीक है ना, क्योंकि नवंबर पर हम आने वाले थे अभी नेक्स्ट वीक, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे ने रिक्वेस्ट किया तो उसको अपन ने अर्ली जो है डिस्कस किया, जिससे कि जो कंफ्यूजन है आप लोगों के दिमाग में वो क्लियर होता चले। बाकी किसी को अगर किसी भी केस में कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज आप मेरे से पूछिए, कोई केस आप समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। अगर मुझे लगता है कि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना, और नहीं लगता है तो फिर यार उसका मैं हल्की फुल्की ब्रीफिंग देकर उसको छोड़ दूंगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इवनिंग सेशन जरूर अटेंड करें, उसमें कहीं ना कहीं हम जजमेंट एनालाइज करते हैं डेली बेसिस पर, और कोई कंफ्यूजन होता है तो वहीं रिजॉल्व किया जाता है, और अगर किसी को बाद में भी होता है तो नेक्स्ट सेशन में कवर कर देते हैं। थैंक यू सो मच, एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। थैंक यू।